बेखौफ दिन दहाड़े हो रहा पत्थर का अवैध खनन, हैवी ब्लास्टिंग ने ग्रामीणों की नींद हराम की है। घरों पर गिर रहे पत्थर कलेक्टर के पास पहुंचे ग्रामीण। विधायक देवसर सुभाष वर्मा ने भी लिखा पत्र। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश, जिससे पूरे शहर पे मचा हुआ है हड़कंप। जिले में खनिज माफिया ने अवैध पत्थर की खुदाई कर हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीणों का जीना हराम हो गया है। ग्राम गड़ेरिया में कई पत्थर की खदाने स्वीकृति है, लेकिन खनिज माफिया मनमाने तरीके से अराजी खसरा क्रमांक 69 की जगह उससे सटी हुई खसरा क्रमांक 80 में अवैध खनन कर हर महीने सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जहां भारी धूल गुबार उड़ रहे हैं, साथ ही पत्थर भी दूर दूर तक घरों पर गिर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक देवसर सुभाष रामचरित ने भी पत्र लिखा है। ग्रामीणों के साथ समाज सेवी देवेंद्र पांडे ने भी कलेक्टर के पास पहुंचे और आरोप लगाया है कि पत्थर खदान संचालक मनमानी और गुंडई के बल पर हैवी ब्लास्टिंग कर लोगों का गांव में रहना मुश्किल कर दिया है। कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने जांच के आदेश दिए हैं और भरोसा दिलाया है कि तत्काल अवैध उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं ग्राम गड़ेरिया का निवासी हूँ। हमारे गाँव में चारागाह भूमि पर खनन पट्टे जारी किए गए हैं। उससे लगी भूमि 17 करोड़ 79 जो निजी भूमि है, उस पर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा कई बार कलेक्टर महोदय को, माननीय उपखंड अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया, उनसे देखकर संपर्क किया गया और इस संबंध जानकारी देकर जांच करने की मांग की गई, किंतु उनके द्वारा अभी तक जांच नहीं की गई। आवेदन के विपरीत जो है कई बार पत्र लेख किए गए, जारी किए गए, लेकिन विधायक देवसर ने भी इसमें लेटर लिखा है क्या? इस संबंध में विधायक देवसर ने भी पत्र जारी किए हैं, लेकिन पत्र जारी होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं। ग्रामीणों को क्या परेशानी है उस हैवी ब्लास्टिंग से? गांव में हमारे भारी पैमाने पर ब्लास्टिंग हो रही है, जिससे घरों पर पत्थर जाता है। बाल बच्चे लोगों का जो है खतरे से अभी तक बचते जा रहे हैं। कभी भी भारी पैमाने पर जो है घटना घट सकती है। आप लोग क्या चाहते हैं कलेक्टर साहब से? इसमें इसको रोका जाए, भारी ब्लास्टिंग को रोका जाए, अवैध खनन को रोका जाए, जिससे जान माल की रक्षण हो सके, लोगों को जो सुरक्षा प्राप्त हो सके। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम गड़ेरिया तहसील सिंगरौली का मामला है। कौन से नंबर पे क्या है ये? आराजी क्रमांक 79 जो निजी भूमि है, उस पर अवैध खनन हो रहा है और आराजी क्रमांक 80 जो ग्राम गड़ेरिया की चारागाह की भूमि थी, जिस पर खनन पट्टे जारी किए गए हैं। वो क्या गलत है? हाँ, नियमानुसार गलत है। भू राजस्व संहिता 1959 धारा 237 के उपनियम 3 में जो किए गए हैं ये परिवर्तित करने के लिए, उसके विपरीत अपरिहार्य है। खनन हो रहा है, जिसके वजह से तथ्य को हमारे संज्ञान में लाया, हम उसकी जांच करवा लेते हैं। पत्थर जांच करवा लेते हैं।